हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तिल गुड़ की पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ठंडे के सीजन में तिल गुड़ खाना कितना फायदेमंद होता है वो तो आप सभी जानते हैं, और हम अलग अलग तरीके से इसकी रेसिपी बनाएं तो ये और भी टेस्टी और देखने में सुंदर लगता है। तो आज हम तिल गुड़ की पट्टी बनाएंगे कुछ मेरे दिए गए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। आपके भी घर में अच्छी सी पट्टी बन सकती है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसी तरीके से आप भी बनाइए। अगर आज की मेरी ये तिल पट्टी की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई गर्म कर लेना है। हमने 200 ग्राम तिल को अच्छे से प्लेट में साफ कर लिया है, ये बात आप ध्यान रखें, नहीं तो एक भी कनकी अगर मिला तो खाने में दांत को अजीब सा लगता है, तो तिल को साफ कर लेना है। तिल को हम रोस्ट करेंगे, तो रोस्ट करने में हमें कुछ भी नहीं डालना है। सिंपल गर्म कढ़ाई में हम तिल को डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट तक सेकेंगे। तिल को हमने 1 मिनट तक भूना है। आप देख सकते हैं इसे हल्की सी चटकने की आवाज आ रही है, तो ये बात आप ध्यान में रखिए। तिल को भूनें, तिल को हमें हल्का ही भूनना है, इसे जलने नहीं देना है, नहीं तो इसे कड़वा टेस्ट आने लगता है, यानी कि तिल की नमी बिल्कुल चली जानी चाहिए और हल्का सा क्रंच तिल में आएगा, उतना ही हमें भूनना है। हमें इसे चलाना भी बंद नहीं करना है। आप देख सकते हैं हमने पी लिया था तो इसका कलर चेंज होने लगा है, तो हमने तिल को 2 मिनट तक भूना है मीडियम फ्लेम से। तिल को हमने 2 मिनट तक भूना है, तिल का चटकना अब कम होने लगा है, तो समझ लीजिए कि अपनी तिल भून चुकी है। हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और तिल को चलाते रहेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो तले में थोड़ा सा ज्यादा सिक जाएगा, इसके लिए हम तिल को चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं अपनी तिल ज्यादा भी नहीं भूनी है और कच्ची भी नहीं है, हल्की हल्की चलाने में लग रही है, इसका मतलब अपना तिल भून चुका है। अब हम एक प्लेट लेंगे और एक कॉटन क्लॉथ से कढ़ाई को पकड़ के तिल को प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो या तो आप पकड़ से पकड़िए या कपड़े से पकड़िए। मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तिल जो है हल्का सा अपना मसलने पे मिक्स जा रहा है, तो ये सही तिल की पहचान है। अब चलिए हम चाशनी बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में गुड़ डालेंगे, तो यहाँ पे हमने 200 ग्राम तिल लिया था तो 200 ग्राम गुड़ भी लिए हैं। गुड़ आप पहचान सकते हैं, एक पीला कलर का गुड़ आता है और एक हल्का ब्राउन कलर का, तो इसकी चिक्की या इसकी पट्टी बहुत सुंदर तैयार होती है। तो हम इस गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिए हैं। तोड़ने का रीजन यही है कि एक साथ में गुड़ मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर हम पूरा पत्थर जैसा डालेंगे तो आधा गुड़ की चाशनी बन जाएगी और आधा मेल्ट नहीं हो पाएगा। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और चाशनी को धीरे धीरे पिघलाएंगे, गुड़ को एकदम स्लो फ्लेम पे हमें ये प्रोसेस करना है। तो आप देख सकते हैं गुड़ को पिघलने में 1 से 1.5 मिनट ही लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अपनी गुड़ जो है पिघल चुकी है, आप देख सकते हैं इसमें एक भी गुड़ का टुकड़ा नहीं दिख रहा है, सभी गुड़ मेल्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज करेंगे और चाशनी को पकाएंगे। चाशनी को हमें 2 से 3 मिनट तक पकाना है, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि चाशनी तैयार हुई है कि नहीं।
आप देख सकते हैं अपनी गुड़ जो है फूल के हल्की हल्की दिख रही है, यानी कि एक झाग जैसा तैयार हो गया है। अब हम इस प्रोसेस पे डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी से अपनी पट्टी जो है शाइनिंग करेगी और ये क्रिस्पी भी होता है। हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो ये तले में लगने का चांसेस रहता है। आप देख सकते हैं चाशनी की कलर चेंज हो गई है। तो मैं एक बार आपको चेक करना बता दे रही हूँ। एक कटोरी में हमने यहाँ पे पानी लिया है, उसमें हम एक ड्रॉप चाशनी का डालेंगे। देख रहे हैं चाशनी तैर रही है अपनी। अब हम इसे 1 सेकंड के लिए ठंडा होने देंगे, फिर हाथ में निकाल के आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो चाशनी है अपनी ऐसे टूट जा रही है। हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, जस्ट ये टूट जाए तो समझिए कि अपनी चाशनी पट्टी के लिए परफेक्ट तैयार हुई है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, तिल जो भुना है हमने उसे डाल देना है। तो हम एक साथ में सभी तिल को डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी के साथ। आप देख सकते हैं जितनी क्वांटिटी थी अपनी तिल की उतना ही हमने गोड़ लिया और उतने की चाशनी में अच्छे से मिक्स हो गया है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और चलते हैं पट्टी बनाने के प्रोसेस में। प्लेटफॉर्म पे एक बटर पेपर फैला लिया है। बटर पेपर बहुत ही आसानी से शॉप में मिल जाता है। केक बनाने के लिए हम लोग लाते हैं या कुछ भी ऐसे स्वीट वगैरह पैक करने के लिए। इस पेपर को हम थोड़ा सा घी से ग्रीस कर ले रहे हैं, जिससे क्या होगा आसानी से अपनी पट्टी जो है वो निकल जाएगी। ज़्यादा घी नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, जो हमने तिल चाशनी में डाल के रखा है उसको ऐसे डाल देंगे। ये सब प्रोसेस हमें फास्ट फास्ट करना है, क्योंकि गुड़ जमने लगता है तो अच्छे से हम शेप नहीं दे पा रहे हैं पट्टी की। तो ये भी बात ध्यान रखना है कि हमें फटाफट फटाफट इसे पेपर पे फैलाना है। हम कोई भी तिल वेस्ट नहीं करेंगे, चम्मच से या कोई चाकू से हम इसे काट के निकाल लेंगे। अब हम सबसे पहले इसे चम्मच से थोड़ा सा फैला देंगे। अब हमने एक प्लास्टिक लिया है, इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे घी से ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम घी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है। और इस हम चिक्की के ऊपर ऐसे उलट देंगे तो दोनों साइड से अपनी जो है पट्टी कवर हो गई। अब हम एक बेलन की मदद से इसे हल्का हल्का बेलेंगे। हमने तिल पट्टी को अच्छे से बेल लिया है, तो अब हम ऊपर का प्लास्टिक हटा लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी नहीं लगा है, क्योंकि हमने घी से ग्रीस कर रखा था। अब हल्की हल्की अपनी पट्टी गर्म है, इसी पे हम चाकू से निशान लगाएंगे। तो आप अपने मनपसंद शेप में चाकू से ऐसे निशान लगा लीजिए, नहीं तो बाद में इसे निकालना मुश्किल हो जाता है। तो हम ऐसे जगह जगह पे अपने शेप का निशान लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी चिक्की पे निशान लगा लिया है। ये गरम गरम में ही हम करेंगे, नहीं तो सूखने के बाद नहीं होता है, टूटने लगता है। अब हम साइड की चिक्की तोड़ के आपको दिखाते हैं ये कितनी क्रिस्पी तैयार हुई है। हम बटर पेपर से ऐसे चिक्की को निकाल लेंगे और एक चिक्की मैं आपको तोड़ के दिखा सकती हूँ। देखिए कैसी आवाज आ रही है, एकदम मार्केट जैसा अपनी क्रिस्पी चिक्की तैयार हुई है। तो चलिए हम सभी चिक्की को अलग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया तिल
गुड़ की पट्टी बनाना कितना आसान है और इसे हम एकदम बाजार जैसे क्रिस्पी करारी बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।